15 जनवरी 2021 की सर्द सहपहर दिल्ली की गालिब एकेडमी में उलमा, शोरा, उदबा और दिगर दानिश्वरों की एक जगमग कहकशां उतर आई। हर शख्स अपने आप में एक अंजुमन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर, मुफक्किर, अदीब और दानिश्वर आयतुल्ला सैयद अकीलुल गर्वी क़िबला की शिरकत ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए। ये मौका था मारूफ मुहक्किक, नाकिद और सहाफ़ी लईक रिज़वी की तारीखी किताब अवामी मरसिये की रिवायत पर मुनक़िदा एक अहम मुज़ाकरे का। मुज़ाकरे में इजहार ख्याल करते हुए तमाम मुकर्ररीन ने लईक रिज़वी की इस किताब को उर्दू ज़ुबान व अदब बिलखुसूस मरसिये की अदबी तारीख में एक गिरा कदर इजाफा करार देते हुए आपकी बेपनाह सताइश की। ज़ोर देकर कहा गया कि यह किताब उर्दू मरसिये की इंतहाई मालदार रवायत थी, वो गुमशुदा कड़ी है जो मरसिये की रवायत को उसके असल सियाक़ो सबाक से जोड़ती है। मुकर्ररीन ने कहा कि उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख में यह अपनी नौईयत का मुनफरिद और इंतहाई अहम कारनामा है, जहाँ तहकीक और तनकीद ही नहीं तमाम इल्मी, अदबी और तहजीबी कदरें अपनी तमाम खूबियों के साथ जलवागर हैं। बर्रे सगीर की मुख्तलिफ बोलियों में राइज करबलाई गीतों का ये तहकीकी और तनकीदी मुताला उर्दू की लसानी तारीख के नए बाब भी खोलता है। लईक रिज़वी की किताब अवामी मरसिये की रिवायत को शामिल किए बग़ैर उर्दू की रसाई और लिसानी तारीख हमेशा नामुकम्मल रहेगी। ये किताब जो है अवामी मरसिये की रिवायत, ये अपने मौजू पर पहली कोशिश होने के बावजूद बहुत भरपूर कोशिश है। मुसन्निफ़ ने नहायत तहकीक और जस्तजू से किताब तालीफ की है और काबिल दाद हैं। ये मौजू ऐसा है कि सिर्फ अदबी नहीं है, खालिस अदबी नहीं है, ये हमारे समाज से, हमारे अवाम से और समाजी नफसियात से, समाजी अकदार से जुड़ा हुआ मौजू है। इसलिए इस किताब पर जिस कदर भी गुफ्तगू की जाए, आम जबान में कहूँ कि जितनी भी चर्चा हो इस किताब पर, वो कम है। इस किताब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुसन्निफ़ को यानी हमारे जो जवानसाल नक़ाद और सहाफ़ी हैं लईक रिज़वी साहब, इनकी इस मेहनत और कोशिश को सराहा जाना चाहिए। मेरी बेहद दुआएं हैं कि परवरदिगार उनको तौफीक अता करें कि वो इस काम को जारी रखें। मैं लईक रिज़वी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मरसिये को हमास के महल सराओं से निकाल के जो हमारी देही ज़िंदगी में, कस्बाती ज़िंदगी में वो लोग थे जिनका के बराह रास्त अदब की जो सिखा रवायतें हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो अवामी रवायतों के पासदार थे और उसी तरह से करबला के वाक़े को देखते थे और पेश करते थे। ये उसकी सबसे बेहतर, मौसर और नायाब कोशिश है, जिसके लिए हमें लईक रिज़वी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस अवामी रवायत से ये पता चलता है कि जो करबला का सानिहा है वो हमारे शऊर का नहीं बल्कि लाशऊर में किस तरह बसा हुआ है, और सिर्फ जो मतलब अशराफिया है उस तक महदूद नहीं है बल्कि ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से इस मरसिये को, करबला की रवायत को और सानेहे को लेते हैं। इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों की शहादत और उनके खून की, जो खून ने जो सुर्खी अदा की है करबला के वाक़े को,
उसकी किस तरह अहमियत है? अहम किताब है हमारी मसीह की रवायत। इसके देखिए दो शुरू के बात है, हिंदुस्तान में आज़ादारी और दूसरा है आज़ादारी में हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में आज़ादारी के हम खुद शाहिद हैं, गवाह हैं। चारों जगह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादारी किस तरह होती है और उस वक्त किस तरह के जज्बात किस तरह की कैफियत लोगों की होती है, न सिर्फ उनको सुना है आँखों से देखा है। और आज़ादारी में हिंदुस्तान जो उन्होंने कहा है उससे किताबें भरी पड़ी। इतना अहम मौजू है जिस पर लेख रिजवी साहब ने किताब कलम फरमाई है और जिस तरह के मौजूद कोई पहलू उन्होंने उसमें छोड़ा नहीं। दूसरा ये कि अवामी इजहारात जो होते हैं उन भी बेसाख्तगी बात होती है और वो इंसानी ज़िंदगी के बहुत करीब होते हैं। चुनाचे जिन बच्चियों का इसमें जिक्र है जिसका इंतखाब भी आखिर पेश किया गया है वो इस एतबार से अहम है कि वो ज़िंदगी का अजला है और हज़रत इमाम हुसैन की जो हैसियत है हमारी ज़िंदगी में बल्कि पूरी इंसानी ज़िंदगी में जिस तरह का वो वाक़या और जितना अहम वाक़ा है उस पर जितना भी कहा जाए जितना भी लिखा जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि लईस रिज़वी साहब की किताब इस एतबार से बहुत एतबार से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किताब है। अब वैसे तो बरसे की रवायत उर्दू में बहुत मुस्तहकम मजबूत है, बहुत पुरानी है, बल्कि आज ये समझ लीजिए कि दुनिया की जितनी ज़बानें हैं फारसी अरबी सब मिलाकर उस पर उर्दू से बेहतर मरासी कहे ही नहीं जाए। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन जो तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है जो गुफ्तगू होती है ज़्यादातर क्लासिकल मरसी में होती है, यानी अनीस व दबीर उनके पहले का ज़माना और बाद का ज़माना, तो सारे मरासी उसी तालुक से पढ़ाए जाते हैं। हमने भी 40-50 साल से वही मरासी पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो अवामी मरसिया है इसकी रवायत बहुत मुस्तकम है, इसको भी पढ़ाया जाता अमूमन किसी भी सतह पर नहीं पढ़ाया जाता। और उसकी नहीं पढ़ाने की अपनी एक वजह भी है क्योंकि ये जो रवायत है ये भी क्लासिकल है और इसके अंदर इस कदर खलूस और इतनी अपराइयाँ तो इतनी गहराई होती है। जिन लोगों ने ये मरासी सुने हैं उन इलाकों में चुने हैं जिन इलाकों के अंदर ये ज़बानों में मरासी पढ़े जाते हैं तो उनका असरात नस्बतन वो जो बड़े बड़े जो मशहूर मारूफ मरासी है उससे ज़्यादा होता है क्योंकि दिल की दिल से निकली बात कम पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन चूँकि अवामी होते हैं अवामी तो हर चीज़ जो है वो अवाम खुद ही कहते हैं और वो लिखते हैं तब्दीली भी होती रहती है जिस तरह से दूसरे ऐसी इस तरह की गीत होते हैं तो इसकी जो रवायत है उस पर कोई काम ज़्यादा इसी वजह से हुआ भी नहीं। लेख रिजवी साहब ने जो इस पर काम किया है ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मैंने देखा है उन्होंने बल्कि कुछ मरासी इकट्ठी भी की हिंदुस्तान के शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानों में देहातों में कुछ ज़बानें बोली जाती हैं उन ज़बानों में बोलियों में ये मरासी हैं तो उनको समझना भी आसान नहीं। लोग जो लोग उनकी ज़बानों से उनकी ख़ास असलाहत से उनके माहौलों से वाकिफ़ नहीं होंगे वो इसको नहीं समझ पाएंगे लेकिन जब वो लोग मिलकर ख़ास दिल के साथ ये मरसिए पढ़ते हैं तो उसका असर जो है बहुत ही बराह रास्त दिल पर होता है। हमने भी सुने हैं वो आपने शायद अब बच्चों ने ज़माने के आपको लोगों ने ना सुना हो लेकिन हमने बचपन में अपने इलाकों में ये सब मरसिए सुने और इस पर जो लोग नहीं समझते थे वो भी सब रोने में शरीक होते थे होते रहे पढ़ते थे। तो ये जो अवामी मरसिया है तो अवामी रवायतें जिनका जो जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं बिल्कुल अवाम में कम पढ़े लिखे लोगों में होती हैं उन वो जो कुछ बात कहते हैं जितने खलूस सदाकत और जिस तरह से वो उसका इजहार करते हैं वो यकीनी तौर पर वो हमारे दूसरे जो बहुत ही बुलंद सतह के जो मरसी हैं मेरे नज़दीक मुझे तो उनसे ज़्यादा तासीर इन मरासी में या इस तरह के अवामी रवायतों में नज़र आती है। इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे एक रिजवी साहब उन्होंने एक अच्छी किताब अच्छा काम किया अच्छी किताब तरतीब दी और उसमें कुछ इंतखाब भी शामिल कर दिया।